जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन सो ऑन, जितने भी होंगे हमसे वो आज हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1/3 डी एफ एक्स, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो ये चूँकि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है तकरीबन। तो आपको बताया था मैंने इंटीग्रेशन में पावर रूल लगेगा, तो इस पर आपको पता है एक्स है और साथ में इसका डेरिवेटिव डी एफ एक्स ये मौजूद है, तो इस पर हम पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल आपको पता क्या होता है, इसकी पावर में एक इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि पावर है -1/3 और +1 कर देंगे एक इंक्रीज़, और इसी जितनी भी पावर इसकी टोटल पावर होगी उसी से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। यानी पावर आ गई -1/3 +1 और उससे -1/3 +1 इससे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास एक्स की पावर। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 3 -1/3 यानी 2/3, और यहाँ पर नीचे भी आ जाएगा ये 2/3, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 एक्स की पावर है 2/3। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा, और एंड में प्लस सी भी कर देना है, सी बल्कि यहाँ से इसी स्टेप में आपने प्लस सी करते जाना है, यहाँ पर भी प्लस सी करना है और एंड में भी प्लस सी इसके आंसर में कर देना है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 3/2 एक्स की पावर 2/3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 है एक्स की पावर -5/4, यहाँ पर भी सेम पावर रूल लग रहा है, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर -5/4 +1 और -5/4 +1 से डिवाइड किया और प्लस सी। ये प्लस सी आपने ज़रूर करना होता है हर स्टेप में, क्योंकि इसको ना करने से मार्क्स कट जाते हैं आपके। तो इसके बाद जी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5/4, तो ये आ जाएगा 4 -5/4, तो 4 -1/4 ये -1/4 आ जाएगा। इस तरह ये भी -1/4 प्लस सी, ठीक है, इसको भी जमा किया तो वही अच्छे हम आ गया। अच्छा अभी ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 x की पावर -1/4 + c। अब एक्स की पावर -1/4 है, इसको हमें पॉजिटिव करना है, तो इसको हम लिख देंगे -4 x की पावर 1/4 + c। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26 का आ गया आंसर। जी इसी तरह हम ये क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ, ये है स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स के ऊपर 3 पावर भी है और साथ में डी एफ एक्स। तो इसको हम पहले तो पावर्स की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा तो यहाँ पर स्केयर रूट एक्स है, आपको ये पता ही है कि स्केयर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, ठीक है, वो तो हमने लिख ली सिंपल, लेकिन यहाँ पर स्केयर रूट एक्स के ऊपर 3 है जी, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स की पावर है 1/3, ठीक है, इसकी पावर को आपने 2/3 नहीं लिखना, क्योंकि अगर सिर्फ स्केयर रूट हो तो यहाँ पर इसकी पावर होती है 1/2, क्योंकि यहाँ पर होता है 2 छोटा सा लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा होता, या वो हम लिख ही नहीं रहे होते। तो यहाँ पर एक्स की स्केयर रूट एक्स की पावर 3 का मतलब है एक्स की पावर है 1/3 जी, तो हमने ये सिंपल करके लिख लिया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसको अलग अलग लिख लें, एक्स की पावर 1/2 डी एफ एक्स और प्लस स्केयर रूट एक्स की पावर 1/3 डी एफ एक्स। इस तरह हम इनको सॉल्व कर लें, तो पावर रूल लगना दोनों पर, एक्स पावर 1/2 + 1 कर देंगे तो एक्स की पावर ये आ जाएगी और नीचे भी 1/2 + 1, इस तरह प्लस यहाँ पर एक्स की पावर 1/3 + 1 नीचे भी 1/3 + 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगी एक्स की पावर 3/2 over 3/2, इस तरह ये हो जाएगी 1/3 + 1 ये 4/ एक्स की पावर है 4/3, यहाँ पर भी हो जाएगी 4/3 प्लस सी। तो इसको थोड़ा सा बस अरेंज कर लें तो ये आपका आंसर आ गया, आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2। ये देखें ये पहला बटा, ये पहले बटे के नीचे 3 है, ये उसके नीचे 2 है, तो ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, और इसी तरह प्लस यहाँ भी 3/4 आ जाएगा एक्स की पावर 4/3 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व कर लिया 27, देखें कितना आसान था। अभी ये क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको भी आप पहले थोड़ा सा ये सिंपल कर लें, ये स्केयर रूट से ख़त्म कर लें, तो ये कुछ यूँ आ जाएगा स्केयर रूट 1/2 एक्स की पावर 1/2 बन जाएगा, देखें एक्स स्केयर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 और साथ में प्लस 2, तो यहाँ पर बटे के अंदर एक्स की पावर 1/2 है, तो जब ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर हो जाएगी -1/2 साथ में डी एफ एक्स। इस स्टेप की आपको समझ आ ही गई होगी, देखें यहाँ पर तो एक्स की पावर 1/2 सीधा हमने लिख दिया एज इट इज़, और 1/2 नीचे था, आगे 2 हमारे पास ऊपर है तो 2 लिख दिया, और एक्स की पावर बटे में है 1/2, तो उसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो -1/2 बन जाएगी। तो इसी तरह जी ये देखें इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, अभी 1/2 कॉमन ले लिया और एक्स की पावर 1/2
DFX, ये DFX हर एक के साथ ज़रूर लिखने हैं। इसी तरह प्लस टू कॉमन ले लिया और स्केयर रूट एक्स इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 DFX 1/2, इस पर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की पावर रूल, तो एक्स की पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, और यहाँ पर प्लस ये 2 है, यहाँ पर फिर इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो एक्स की पावर है -1/2 प्लस 1, और नीचे भी -1/2 प्लस 1, और प्लस सी कर दिया। इसको करें तो ये आ जाए 1/2, और साथ में एक्स की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2, तो यहाँ पर ये प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 बन जाएगा, ये -1/2 प्लस 1 1/2 होता है, और नीचे भी 1/2 प्लस सी, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/2 मल्टीप्लाई ये वाला 3, और ये एक्स की पावर 3/2 ये ऊपर ही रहेगा। इसी तरह प्लस ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 4 एक्स पर 1/2 प्लस सी, तो ये आ जाएगा जी 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 4 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 28 का आ गया आंसर। जी अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29, तो ये है हमारे पास इंटीग्रेशन 8y माइनस 2/y की पावर 1/4 साथ में DFY। यहाँ पर हमने y के रेस्पेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो पहले सेपरेट करके लिख लेते हैं, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 8y साथ में DFY और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2, और ये y की पावर 1/4 है बटे के नीचे, तो ये आ जाएगी y की पावर -1/4 साथ में DFY। तो यहाँ पर देखें हम पावर रूल लगाएंगे, तो 8 तो y की पावर 1 है, y की पावर 1+1 2 हो जाएगी, और इसको डिवाइड भी कर देंगे 2 से, इस तरह -2, तो ये भी हम थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब सारे स्टेप नहीं कर रहे। यहाँ पर सिंपल हमने लिखना था वाई की पावर 1+1, नीचे 1+1, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया y² / 2। यहाँ पर भी देख लें वाई की पावर है -1/4, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, चलें लिख देता हूँ यार आपकी आसानी के लिए, 1/4 + 1/4 + 1, तो ये -1/4 है, और साथ में प्लस सी, तो ये देखें कट जाएगा, तो ये रह जाएगा हमारे पास 4y² - 2 वाई की पावर, ये बन जाएगा 4 - 1/3, ये 3/4 बन जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3/4, लेकिन ये 3/4 होगा हमारे पास पॉजिटिव का, ठीक है, क्योंकि हमने 1 में से छोटी रकम निकाली है, और प्लस सी, तो ये हमारे पास बन जाएगा टोटल 4y² माइनस, ये 4 ऊपर चला गया, तो ये आ गया 8 / 3 वाई की पावर 3/4 प्लस सी। तो ये हमारे पास सिंपल सा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 29 का। अभी हम इधर करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 में ही देखें हमारे पास इंटीग्रेशन 1/7 -1/y² / 5/4 DFY, इसको भी पहले सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 साथ में DFY माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाई की पावर बटे में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये -5/4 बन जाएगी साथ में DFY। यहाँ पर देखें 1/7 तो कॉन्स्टेंट है, वाई है नहीं, तो जिस तरह आपको पता है एक्स की इंटीग्रेशन, अगर हम एक्स की डेरिवेशन लें एक्स के रिस्पेक्ट, तो वो होती है 1, तो वाई की डेरिवेशन लें, वाई की डेरिवेशन लें ना तो वाई की रिस्पेक्ट, तो वो होती है 1। इसी तरह अभी हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं वाई की, लेकिन यहाँ पर क्या है, वाई की पावर ज़ीरो है। इसी तरह जब हम वाई की पावर में, आपको पता है वेरिएबल की पावर में ऐड करते हैं, तो वाई की पावर हो जाएगी 1 और 0+1 1, और डिवाइड भी करेंगे 1 से, तो ये सिंपल आ जाएगा 1/7y। इस तरह माइनस, यार अगर तो आपने FSC में की भी है ये मैथ वगैरह कैलकुलस, तो आपको ये समझ आ रही होगी उम्मीद है, अगर आपने नहीं की भी तो रियली सॉरी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़े पीछे से हैं, तो आप चंद सवाल और चंद क्वेश्चन और करेंगे तो आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर भी देखें, इस पर पावर लगेगा वाई पावर -5/4 + 1/-5/4 + 1 और प्लस सी, तो ये आ गया 1/7y माइनस, ये वाई पावर आ गई इसमें से निकाला, तो ये -1/4 बनती है, और -1/4 नीचे भी प्लस सी जी, तो ये देखें ये आता है 1/7y, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 ऊपर चला गया 4, और इसको अभी ये वाई पावर -1/4 है, इसको हम नीचे ले जाते हैं, वाई पावर 1/4 बन जाएगी प्लस सी, तो ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। ये वाई पावर से यहाँ पर -1/4, तो -1/4 को हम नीचे ले गए, तो ये +1/4 बन गई। ये क्वेश्चन नंबर 30 हमारा हो गया सॉल्व। जी तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x और ब्रैकेट में 1 - x की पावर -3 dx, तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये
टू एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स हो जाएगा इस तरह माइनस टू एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा टू। और देखें ये एक्स की पावर वन है, यहाँ पर एक्स की पावर माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री प्लस वन तो ये माइनस टू रह जाएगी, तो ये टू एक्स की पावर माइनस टू बन जाएगा डी एफ एक्स। जी आप फिर से समझ लें, जब भी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं, ठीक है, वो चाहे माइनस में हो रही हों या प्लस में हो रही हों। तो ये देखें यहाँ पर एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स की पावर है वन, यहाँ पर है माइनस थ्री, तो ये माइनस थ्री प्लस वन या वन माइनस थ्री हो जाएगा इस तरह से। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये माइनस टू बन जाएगा, तो यहाँ पर एक्स की पावर आ जाएगी माइनस टू। इसी तरह अभी हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं अलग अलग, टू एक्स डी एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स माइनस स्क्वायर डी एक्स। ये टू यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, मतलब बाहर यहाँ से भी ये। अच्छा ये टू आ गया, एक्स की हमने इंटीग्रेशन की तो आपको पता है एक्स की पावर वन प्लस वन टू हो जाएगी और नीचे वन प्लस वन टू, और इसी तरह माइनस ये वाला टू, यहाँ पर है एक्स की पावर माइनस टू है तो माइनस टू प्लस वन करेंगे तो माइनस वन रह जाएगी ना, देखें माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो इसमें एक ऐड किया तो माइनस वन रहेगी और डिवाइड भी कर देंगे माइनस वन से और प्लस सी। अब ये देखें टू टू से तो कट रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखें ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो ये प्लस टू और ये देखें एक्स पावर माइनस वन है तो हम इसको बटे में ले जाते हैं, टू ओवर एक्स आ जाएगा और प्लस सी। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 31 का आ गया आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।